प्रदेश प्रभारी विजय राहटकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सवाल वही है जिनका शायद आप लगातार वही जवाब दे रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई। अब देखिए कि हर बार चुनाव एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके से चुनाव हर बार होते हैं। इस बार एक बात जरूर आई कि जो विपक्ष था, उस विपक्ष का खुद का अपना एजेंडा नहीं था, खुद के अपने विचार नहीं थे, जनता को वो बहुत कुछ प्लस करके कुछ दे सके ऐसे कोई विचार नहीं थे। उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उनको ये पूरा पता था, तब उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का पूरा पूरा काम किया। संविधान के विषय पर जो उनके स्टेटमेंट थे वो जनता को बहुत भ्रमित करने वाले थे, जिसका हमें सबसे बड़ी तकलीफ हो गई है। और उसकी वजह से हमारी सीटें जो राजस्थान में और देश में भी कुछ कम हो गई है, उसका बहुत बड़ा कारण ये लोगों को भ्रमित करना यही है। मैम, दो युवा चेहरे रविंद्र भाटी, राहुल कस्वा और तीन वरिष्ठ चेहरे वसुंधरा राजे जी, किरोड़ी लाल जी, इन लोगों का जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो अनदेखी हुई है, एक जगह तक ये सिमट के रह गए, पूरे राजस्थान भर में प्रचार ये वरिष्ठ लोग नहीं कर पाए, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पार्टी जो निर्णय करती है वो एक मत से करती है और मिलके बैठ के हम निर्णय करते हैं। जो भी कैंडिडेट हमने चुने थे वो हमने एक विचार से हमने चुने थे। तो मैंने जैसे कहा कि अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थिति हो सकती है, एक लोकसभा दूसरे जैसे नहीं है, तो स्थिति अलग अलग बनी है और कई जगह पे हमें पीछे हमारी सीटें कम आई है, तो ये इसके ऊपर हम सोचेंगे। बट ये निर्णय हमने एक विचार से लिया था तो हमें उसको तो निभाना ही है, एक ये बात है। और दूसरी बात, हमारे सभी नेता काम में थे। वसुंधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता है, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है और वसुंधरा जी भी इसमें सक्रिय थी, इस पूरे प्रक्रिया में वो साथ में ही थी। मैम, एक आखिरी सवाल यह कि एक मजबूत विपक्ष आपको मिला है और मोदी जी की जो गारंटी जो थी या जो वो अब करना चाहते थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कोई रुकावट सी आ गई है? क्योंकि दो लोगों को जिनके साथ में अलाइनमेंट हुआ है, उनकी भी अब अलग अलग मांगे होंगी। हम लोकतंत्र पे बहुत विश्वास रखते हैं और अगर आपको मजबूत विपक्ष अगर मिलता है तो आपको और काम करने में अच्छा वातावरण मिलता है, क्योंकि अगर आपका अगर गलती से कुछ छूट जाता है तो आपको दुरुस्त करने के लिए मजबूत विपक्ष होता है। अगर ये विपक्ष मजबूत रहता है, आज पता नहीं है, क्योंकि वो कोई एक नहीं है, वो अनेक है, और आज तक का हमने उनका अगर इतिहास देखा है तो वो कभी मिलजुल के नहीं रहे हैं, पर समझो अगर वो रहते भी है तो भी उसका स्वागत है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष ने जो सकारात्मक इस देश को आगे बढ़ाने वाले जो भी सूचनाएं करी है उसको साथ लेकर हमने चलना चाहिए, तो हमें कोई अड़चन नहीं है। बस वो अपना ख्याल रखे कि आज वो कह रहे हैं कि हम एक है, पर वो सही मायने में कुछ दिनों के बाद भी ये कहे कि हम एक है, कि इसके पहले का हमने जो उनका अनुभव देखा है वो कभी एक नहीं रहे है, तो वो एक रहे अच्छा रहेगा, मजबूत विपक्ष आता है तो। ये थे हमारे साथ विजय राहटकर जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस चुनाव में जो भी गलतियां हुई हैं, जो चूक हुई है, पार्टी उस पर मंथन कर रही है और वो आगे दोहराई ना जाए और भाजपा ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में एक मजबूत, हम कह सकते हैं, नंबर के साथ आए, उस पर विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। और रही बात अब की बार का जो मैंडेट जो आया है, एक मजबूत विपक्ष केंद्र सरकार को मिला है, उसके बारे में भी विजय जी ने साफ तौर पर कहा है कि मजबूत विपक्ष तो जरूर है, वो कह रहे हैं, लेकिन वो कब तक मजबूत रह पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और रही बात केंद्र सरकार के विजन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की, तो वो विजन के लिए लगातार बीजेपी काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।